उल्टे पैर के साथ ही खड़ा रहे तो आप आगे नहीं बढ़े। संवेदना के दीप को शब्दों की ओट में तूफानों से बचाना है कविता। जहाँ तक पिछड़ने का सवाल है, हिंदी भाषा नहीं पिछड़ी। कभी जगत ये पूछे था जब इतना सब कुछ हो रहे थो, तो शहर हमारा काए भाई सा आंख मूंद के सो रहे थो। कोई सरहद नहीं होती, ये गलियारा नहीं होता, अगर माँ बीच में होती तो बंटवारा नहीं होता। पहले तो आज तक को मैं दिल से बहुत 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 बधाई देना चाहूंगी। बताइए 25 हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़ता है पैसा, बताइए मुझे आप। वो चोरी का नहीं होता है तो किसका होता है पैसा? तो निश्चित रूप से आज तक आज समाचार नहीं है, आज तक एक विचार के रूप में बढ़ गया है। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है? हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे देश का युवा अपने देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए दाम कमाना चाहता है और भारत के लिए अपना नाम कमाना चाहता है। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। कभी किताबें पढ़कर, कविताएं पढ़कर, गीत गुनगुनाकर साहित्य का जश्न तो आप कई तरीके से मना सकते हैं, लेकिन जिसने साहित्य आज तक में शिरकत की उसे मालूम है कि साहित्य का जश्न दरअसल मनाया कैसे जाता है। तो अगर आपको ये झलकियां देखने को नहीं मिली हैं, तो अगले एक घंटे में हम आपको साहित्य आज तक का पूरा सार बताएंगे। हमारे कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। क्या समाज को जगाना है कविता, या कुछ बताना, कुछ छुपाना और बिन कुछ कहे सब कुछ कह जाना है कविता? पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे? हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया। ये साहित्य का समागम था, ये साहित्य के शौकीनों का समागम था, साहित्य संजोने वालों का भी, साहित्य सहेजने वालों का भी। दुख की बात है कि हमारे ही देश में हिंदी साहित्य को महत्व नहीं दिया जाता। हिंदी साहित्य में बहुत सारी ऐसी सुंदर परंपराएं हैं जो हम धीरे धीरे खो रहे हैं, जैसे दस्तानगोई, कवि सम्मेलन, शमाए मुशायरा, जवाबी कवाली। हमारी कोशिश है कि हम ये परंपराओं को संभाल के रखें अपनी अगली जेनरेशन के लिए, कि वो भी इस संस्कृति को जाने पहचाने, इसे आनंद ले सके। जहाँ कवि है वहाँ कल्पना है, जहाँ कल्पना है वहाँ सोच है, जहाँ सोच है वहाँ विचार है, जहाँ विचार है वहाँ विरोध भी तो है। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे, कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल यतरंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। कलम फिल्मी पर्दे पर सुनहरे हर्फ लिखती है, पर सुनहरे अक्षरों के मायने ये नहीं कि मुद्दे भी सुनहरे हों। हाँ, कल्पना सुनहरी ही रहती है।
खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। बूंदों को धरती पर साज एक बजाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्मा ले दे। और इसी में था कि झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। उतार गम के मोदे, जमी को गुनगुनाने दे। कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा। साहित्य जो है शब्दों में बंधा हुआ नहीं है, साहित्य जो है शब्दों के बियॉन्ड है और सभ्यता के भी बियॉन्ड है। साहित्य को मैं किसी तरह से लिमिटेड नहीं मानता हूं, और उसको मैं साहित्य समझूंगा ही नहीं जिसमें पहले से इतने सारे अंकुश हों। तो मुझे मैं तो यह है कि कौन डिसाइड करता है क्या साहित्य और क्या नहीं है। मैंने कुछ बनाया, आपको नहीं पसंद आया, आप उसको रिजेक्ट कर दें। हर आदमी को अपनी इंडिविजुअल आजादी होनी चाहिए डिसाइड करने के लिए उसके लिए साहित्य क्या है। आज किताबों से दूर भी साहित्य का जहां बसता है, विचार दिमाग में कौनते हैं, पन्नों की दरकार किसे। तो क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह शुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बना फिर कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ। चाऊ माऊ चीनी मीनी, जिसमें दम हो टकराओ। और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों, कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5,000 अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा। लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। संतन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावल पिंडी वाला। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। कवि, शायर, उपन्यासकार, किसने कहा साहित्य दायरों में बंधता है? एक अभिनेता के विचार भी तो उसका साहित्य है। देश के बारे में बोलने के लिए किसी का शादीशुदा होना या बीवी का राजनीति में होना जरूरी है? देश के बारे में बोलने के लिए मैं पहले इंसान हूं, मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, उसके बाद हस्बैंड हूं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, आई डोंट थिंक आई हैव टू टेक एनीबॉडीज परमिशन, एंड आई थिंक किरण इज अ वेरी नेशनलिस्टिक पर्सन हरसेल्फ। इन विचारों के साथ अनुपम खेर के नाटक का भी मंचन हुआ। साहित्य का कोई रूप ऐसा नहीं था जो आज तक के अनूठे आयोजन से दूर रहा हो। एक ही साथ तीन मंच पर अलग अलग साहित्यकार अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। दस्तक दरबार सजा था, हल्ला बोल चौपाल लगा था, तो लल्लन टॉप का खुला मंच आम जनता की प्रतिभा को मौका दे रहा था। दो दिन तक चलने वाले साहित्य के इस उत्सव में करीब 1.5 लाख लोगों ने शिरकत की। कुल 66 साहित्यकारों से सजे इस जश्न का हर लम्हा अनमोल था। क्या हिंदी का भविष्य खतरे में है? क्या हिंदी साहित्य को आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी की बैसाखी की जरूरत है? क्या हिंदी साहित्य का कोई बाजार ही नहीं? ये चंद ऐसे मुद्दे थे जो जलते सवालों की तरह हमारे चारों तरफ थे। हमने साहित्य आज तक में बड़े बड़े साहित्यकारों से इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। ये विषय कभी पुरुषों के सामने आया कि मेरा मन मेरा तन गीता को हक नहीं देंगे कि हमारे समाज के बातों पर निर्णय करें? ज्यादातर पत्रकार, ज्यादातर साहित्यकार खड़े होते हैं लेकिन छुपाते हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं होते। हक मेरे दिला तू मुझको खुदा तू, नहीं तो बता तो करेगा फिर क्या। ऐसा नहीं है कि मेरी किताबों में सेक्सी सेक्स भरा हुआ। भाषा इतनी सतत
चीज है, ना एक आदमी उसे बना सकता है ना एक आदमी उसे बिगाड़ सकता है। जब दो लेखक मिलते हैं तो शिकायत भी हमसे करते हैं, फिर इसकी शिकायत उसकी शिकायत तो करती है लैला मजनू की शिकायत मेरे आगे, क्या चीज है तख्ते सुलेमा मेरे आगे। जिनकी कलम से संस्कृति को विस्तार मिलता है, उनकी अभिव्यक्ति के हर शब्द को समेट लेने का जी करता है। कई बार लोग पूछते हैं कि आप कविता जैसी वाहियात, बेशरम और लगभग अप्रासंगिक विधा में क्यों लिखते हैं, तो मैं कहता हूं कि मेरी माँ अगर एक काव्य ग्रंथ की पूजा करती थी तो ये कहीं बात मेरे जहन में घुसी हुई है। हिंदी भाषा नहीं पिछड़ी बिल्कुल भी, वो उसी तरह अब भी विकसित हो रही है, नए शब्द आ रहे हैं, पुराने शब्द तो कुछ दूर होंगे ही, कुछ नए शब्द आएंगे, हिंदी वाले पिछड़ गए हैं। किसी ने विचार रखे, किसी ने तर्क दिया, किसी ने समझाया, तो कोई सीधा दिल में ही उतर गया। ऐसा नहीं है कि मेरी किताबों में सेक्सी सेक्स भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। 300 पेज की किताब में एक पेज पे होगा, डेढ़ पेज पे होगा बस, विच इज 0.5% ऑफ द बुक। एंड वो भी नहीं है कि बहुत ऐसे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिए हैं, बट इट इज देयर बिकॉज मेरा काम है जो सोसाइटी में हो रहा है वो लोगों को उसका शीशा दिखाना काम है। शहरों पे बहुत लिखा गया, हमारी लेखिकाओं ने लिखा, लेखकों ने लिखा, और गांव की स्त्री को लेके लेखकों ने लिखा, लेकिन स्त्री की कलम से कम आया। बाशिंदों से तेरे उकता चुका हूँ, बाशिंदों से तेरे उकता चुका हूँ, दिलासे तेरे अक्सर सुन चुका हूँ, द्वारते के आकर मैं कब से खड़ा हूँ, इल्तिजा करते करते मैं थक गया हूँ, हक मेरे दिला तू मुझको खुदा तो, नहीं तो बता तो करेगा फिर क्या। साहित्य आजादी के लिए रास्ता खोलता है, वो आजादी नारी मुक्ति की भी है। आज की बदलती दुनिया और मेट्रो की जिंदगी में नारी अपने लिए नई जिंदगी ढूंढती है। जब ईरान गई मैं तो वहाँ रेवोल्यूशन की शुरुआत थी, और वहाँ पे मुझे जैसे किसी ने झिंझोड़ के जगाया कि शब्द, लेखन, आवाज और आज़ादी क्या होती है। औरत बहुत सारे समझौते कर लेती है, बावजूद इसके उसको वो समझौते नहीं करना चाहिए, अगर वो चेतनामयी है तो उसे कहीं ना कहीं खुद उसका उदाहरण बनके तब औरों के लिए लिखने की जरूरत है। आज तक ये विषय कभी पुरुषों के सामने आया कि मेरा मन मेरा तन, आखिर स्त्रियों से ये क्यों पूछा जा रहा है या कहा जा रहा है मेरा मन मेरा तन क्यों? इसलिए कि ये हमारा मन तो हमारा था, लेकिन इस पे छाप पितृसत्ता की थी। सदियों के शोषण और सदियों के दबाव के चलते जो स्त्रियां हैं वो अपने मन को अभिव्यक्त नहीं कर पाती। जब वो लिविन में जो एक विकल्प की तरह दिखाई पड़ता है, सिर्फ उन्हीं के लिए ठीक है जो आर्थिक रूप से सक्षम है। स्त्री पुरुष की बराबरी का सबसे बड़ा दर्शन भगवान शिव देते हैं, जिनमें आधा पुरुष है आधी औरत। साहित्य आज तक में देवलोक का भी दर्शन मिला। सही क्या है, क्या मैं रामायण की तरफ जाऊं या महाभारत की तरफ जाऊं? रूल फॉलोइंग इज गुड, रूल ब्रेकिंग इज गुड। सो वन ऑफ माय फ्रेंड गिव मी अ वेरी नाइस आंसर, ही सेड देवदत्त शादी के पहले मुझे कृष्ण चाहिए, शादी के बाद मुझे राम। साहित्य हमेशा विचारधारा की उंगली पकड़कर चलती है, कभी वो खुलकर सामने आती है, कभी छिपकर, कभी अपना नजरिया होता है, कभी दूसरों की नजर। किसी दंगे को इस तरह से पहले से ही प्री जज करके चीफ मिनिस्टर के साथ जोड़ते कि इसको तो फांसी पहले ही लगा दो, कोर्ट चाहे कुछ भी करे, तो जब इस तरह अमेरिका के पास उस दरबार में, और मेरा आत्मसम्मान एज अ भारतीय ये कहता है हम अपने गुनहगारों को यहाँ भले ही सूली पर लटकाए पर अमेरिका को हक नहीं देंगे कि हमारे समाज के बातों पर निर्णय करें। मैं किसान नहीं हूँ, मैं कभी गांव में नहीं रहा, लेकिन प्रेमचंद और रेणु के लेखन के जरिए मैं एक तरह का परकाया प्रवेश करता हूँ, और मुझे समझ में आता है कि हिंदुस्तान के गांव के किसान की जिंदगी कैसी थी या आज कैसी है। ज्यादातर पत्रकार, ज्यादातर साहित्यकार खड़े होते हैं लेकिन छुपाते हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं होते, इसलिए मैंने सीखा। विचारों का ये कारवां साहित्य को आखिरी पायदान तक भी ले जाता है, और उस समाज के विमर्श को सामने लाता है जिसे जाने अनजाने समाज ने हाशिए पर रखा। हम क्योंकि सभ्य समाज के अंदर रह रहे हैं,
तो हमें ये करना पड़ेगा कि क्या हम अंतर क्रिया इंटरैक्शन के रूप में उसकी परिस्थिति, उसका स्टेटस और उसकी भूमिका, इसमें कम से कम समानता ला सके। समाज इतना तो चेंज हुआ है कि इनको स्वीकार कर रहा है, पर एक दलित फिजिक्स का प्रोफेसर बनना चाहता है, एक दलित डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कोशिश कर रहा है, तो समाज थोड़ा असहज है। ये भ्रष्टाचार पहले से रहा था, मगर अब इसमें कुछ और लोग शामिल हो गए हैं, वहाँ से सारी दिक्कतें शुरू हो रही हैं। लल्लन टॉप की भी खूब धूम रही और इसमें शामिल हुए हिंदी के वो उभरते चेहरे जिन्होंने साहित्य में पसंदगी की नमक को स्वादानुसार डाला है। जो ये तुमने लिखा है ना, इससे मैं 1,00,000 रुपए कमाने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें 1,000 रुपए इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम ये जान पाओ कि तुम लिख के कमा भी सकते हो, और कम से कम हिंदी लिख के कमा सकते हो। लोग ये बोलते हैं कि भाषा नए लोगों ने आकर बदल दी, तो मुझे उस पर आपत्ति है। मुझे लगता है भाषा इतनी सतत चीज है, ना एक आदमी उसे बना सकता है ना एक आदमी उसे बिगाड़ सकता है। इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि हम लिख रहे हैं इंग्लिश में या हिंदी में, हम लिख किस फ्लो में रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं नहीं, समझ पा रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है। लता जी का व्यक्तित्व तो ऐसा है, हिंदी बदल रही है लेकिन नहीं बदला तो हिंदी में लता के गानों को सुनने का प्रेम। लता जी की आत्मकथा पे रोने वाले कवि लेखक यतीन्द्र मिश्र भी साहित्य आज तक के मंच पर पहुंचे। मुझे लगता है कि वो एक बिल्कुल परफेक्शनिस्ट की तरह वो बात करती हैं, और अपने शुरू में मास्टर गुलाम हैदर से लेके, जिन्होंने उनसे बहुत, जिन्होंने उनके कैरियर का आगाज किया और वो मशहूर हुई खेमचंद प्रकाश के साथ, बाद तक एआर रहमान तक, उन्होंने हर संगीतकार की विशेषता पे बात की। इन सब के बीच आज हिंदी बाजार में खड़ी है, जहाँ कोई खरीदना चाहता है तो कोई इसे अनमोल मानता है। लेखक और प्रकाशक के रिश्तों पर भी राय शुमारी हुई। जब दो लेखक मिलते हैं तो वो शिकायत भी हमसे ही करते हैं, कि इसकी शिकायत उसकी शिकायत, तो करती है लैला मजनू की शिकायत मेरे आगे, क्या चीज है तख्ते सुलेमा मेरे आगे। हिंदी में नए नए प्रयोग तेजी से घटित हो रहे हैं, एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया में ये किताबें आ रही हैं, अलग अलग तरह के कामों में लगे हमारे युवा यह रच रहे हैं। किसी पुस्तक की किसी भूमिका में, किसी 3,000 पुस्तकों में कोई पुस्तक निकाल के मेज पर रख दीजिए और ये बोलिए किसकी भूमिका में लेखक ने प्रकाशक के बारे में या प्रकाशक का नाम लिखा है। क्यों प्रकाशक का नाम क्यों होना चाहिए, प्रकाशक का काम प्रकाशन करना है, उसने कर रहा है, तो लेखन का जो काम है वो लेखक कर रहा है अपना। भारत में इतनी भाषाएं हैं, लेकिन जब भी बाहर जाए तो देखिए हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी की महत्ता तो है। साहित्य आज तक में हिंदी के साथ अंग्रेजी साहित्य में आते बदलाव पर भी बात हुई। I am very comfortable sitting like this and I'm very comfortable writing in English. So I think it's important to be that, you know, to be as natural as possible in your writing, otherwise the effort starts to show. When I don't sit cross-legged, I can't think very well. क्या साहित्य का दायरा उतना है? क्या पत्रकारिता में भी साहित्य के पुट हैं? दरअसल चर्चा जब इस पर चल निकलती है तो कटघरे में भी खड़ा किया जाता है पत्रकारिता को। तमाम बड़े बड़े पत्रकार जिन्होंने अपनी कलम से किताबें भी लिख डाली हैं, वो इस चर्चा में शामिल हुए और जो नतीजा आया, जो बातें सामने आई, बहुत दिलचस्प। रवीश के बनने की प्रक्रिया क्या है? तो बहुत ही, आप समझिए कि हम रस्सी की धार पर चलते हैं उस पर, कब फिसल जाएं, कब गिर जाएं, इसका खतरा तो रहता ही है, तो बहुत ही तकलीफ देह प्रक्रिया है। तब भी जब रवीश कुमार ने संवाद की शुरुआत उन चुनौतियों के जिक्र से की जिनसे टीवी पत्रकारों को रोजाना रूबरू होना पड़ता है। आप जो अखबार खरीद रहे हैं, जो चैनल देख रहे हैं, उसके हेडलाइन को बहुत बारीकी से देखिए कि राजा का गुणगान है या प्रजा के हाहाकार का उसमें स्थान है, आपको देखना पड़ेगा ना। गुणगान ज्यादा है तो शक करना चाहिए, स्थान ज्यादा है तो भरोसा रखना चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है। 100% ईमानदारी का पैसा है। मैं लाइन में नहीं गया नोट बदलने के लिए, हाँ मैं लाइन में नहीं गया बदलने के लिए, लेकिन 25 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, वो सिर्फ चोरी के पैसे से ही उड़ सकता है, वो चोरी के पैसे से 25 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है और हलाल के पैसे से, हराम के पैसे से उड़ता है, इसमें आपको शक है? देखिए मुझे नहीं लगता कि किसी एक साहित्य आज तक के गर्मा गर्म सत्र में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राजदीप सरदेसाई ने पत्रकारों को पेशी की लक्ष्मण रेखा बताई। राजदीप की साफ साफ राय थी कि पत्रकारों को राजनेताओं का फैन नहीं बनना चाहिए। जो फैन का जो सिस्टम है,
आप महेंद्र सिंह धोनी के फैन जरूर, मैं महेंद्र सिंह धोनी का फैन हूं, मैं विराट कोहली का फैन हूं, लेकिन मैं ये तीनों नेताओं का इस समय फैन नहीं हूं, क्योंकि जब तक मैं पत्रकार रहूंगा मैं सत्ता से संघर्ष करता रहूंगा, और जो लक्ष्मण रेखा आपने कही वही लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। 2002 का जो वाक्य पत्रकार उदय माहुरकर ने दंगे जैसे संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग में संयम की जरूरत बताई। आप देखें तो ऐसा भयंकर प्रभाव था पूरे एक वन साइडेड रिपोर्टिंग का कि मैंने भी वो मैं चेष्टा नहीं कर पाया उसको इन्वेस्टिगेट करने की। 2010 में जब मैं गया उस डॉक्टर से मिला, उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि 2002 के अंदर ही मैंने बता दिया था कि ऐसा कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ। मैं तो पत्रकार से नेता बने आशुतोष ने राजनेताओं की निजी जिंदगी में ताकझांक पर मीडिया के दोहरेपन का जिक्र किया। बराबर की गलती हुई। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा माइक्रो एनालिसिस में चले जाते हैं, जो बड़ी तस्वीर है, जो बिग पिक्चर है, उसको मिस कर जाते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में कम से कम 80-90% पत्रकारों ने वही गलती की जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस चुनाव के दौरान पूरे लिबरल जो मीडिया था उसने गलती की। मुगल शासक अकबर पर अपने नए उपन्यास को लेकर चर्चा में आए टीवी संपादक शाजिद जमा ने उम्दा साहित्य लेखन की प्रक्रिया पर रोशनी डाली। मैं बहुत साफ साफ कह दूं कि मैंने जब ये तय किया कि मैं बादशाह अकबर पर उपन्यास लिखूंगा 20 बरस पहले, तो मैंने तय किया कि अब मैं अकबर पर बना कोई सोप, कोई सीरियल, कोई सिनेमा नहीं देखूंगा, ताकि उस सीरियल की कोई छाया मेरे उपन्यास पर ना पड़े और जो छवि मैं अकबर की बनाना चाहता हूं उस पर किसी का साया ना पड़े। लेकिन उन 20 साल पहले, अब से शायद 28 साल पहले आपने शुरू किया था, तब तक मुगल आजम आ चुकी थी। अच्छा। तो अगर मुगल आजम के अकबर का साया है तो वो है। हाँ। लेकिन उसके बाद के अकबर का साया नहीं है। वो सीरियल कम से कम आपके उस दौर में नहीं थे जो अब रहे, या जो फिल्म बाद में आई जोधा अकबर, तो क्या कोई जोधा थी अकबर की जिंदगी में और उतनी अहम अकबर की रानी? बहुत छानबीन करने के बाद भी मुझे अकबर की कई पत्नियों के नाम मिले लेकिन जोधाबाई नाम की पत्नी नहीं मिली। ऐसे पॉइंट पे ले जाके छोड़ते थे। साहित्य आज तक का एक सत्र दास्तान गोई का भी रहा। आज तक के मंच पर किस्सा गोई की सदियों पुरानी इस शैली का दर्शकों ने दिल भर कर लुत्फ उठाया। पेश है दास्तान शहजादी चौबोली की। करूं पहले तौहीद यस्ता जकम, झुका जिसके सजदे में अव्वल कलम, सरे लौह पर रख बयाजे जबी, कहा दूसरा कोई तुझसा नहीं, सबों का वही दीन और ईमान है, ये दिल है तमाम और वही जान है, किसी से बरावे न कुछ का वे जा, जो वो मेहरबान हो तो कुल मेहरबान। कवि सम्मेलन और संगीत के रंग दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।